सुरेश प्रस्तुत कर रहा हूँ हिंदुस्तान समाचार पत्र का हेडलाइन। देख लेते हैं आज का हेडलाइन क्या है। आज तारीख है 17/12/2017। रिश्ते खराब होने की एक वजह यह भी है कि लोग झुकना पसंद नहीं करते। हिंसा गुस्से की राजनीति खत्म करेंगे राहुल गांधी। सुहेब इलियासी हत्या में दोषी करार। मधु कोरा को कोयला घोटाले में 3 साल जेल। जाकिर पर रेड कॉर्नर नोटिस नहीं। सट्टे को वैध बनाने पर रिपोर्ट जल्द। एटीएम कार्ड पिन लेने के बाद मार डाला। यूपी टीटी में 92% बीएड डिग्रीधारी फेल। मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटरशिप के नाम पर 50 लाख ठगे। गाजियाबाद में बनेगी पहली राजनीतिक पाठशाला। चेहरा जो दिखाना है सेना हर स्थिति से निपटने को तैयार। पूर्वी कमान के COC इन सी ने कहा कि डोकलाम में किसी भी शरारत का जवाब देंगे। यूपी में पूर्व भाजपा विधायक के बेटे की गोली मारकर हत्या। राज को माहौल वाली नीति चाहिए। महिला सुरक्षा में झारखंड पीछे। ELSS टैक्स बचाने के साथ साथ पैसा भी कमाए। खाते की रकम में निकासी पर पोस्ट ऑफिस भी जिम्मेदार। किसानों की क्रय शक्ति को बढ़ाना बेहद जरूरी। जेटली सवाल के तेल से खाना पकाया और वाहन चलाए। नए साल में यात्री सुरक्षा पर जोर। गुड़िया रेप मामले में पड़ोसी का तिल। विरोधी देश हित के मुद्दे नहीं उठाने देना चाहते। निजी हमलों ने राहुल को मजबूत बनाया। नए कांग्रेस अध्यक्ष को चुनौतियों भरा ताज मिला। पूर्वोत्तर को 90,000 करोड़ की सौगात। 2019 लोकसभा चुनावों की तैयारी में जुटेगी भाजपा। काशी की शिवानी लड़ाकू विमान उड़ाएगी। फर्जी मरीज दिखाने पर कॉलेज के दाखिले रद्द। इंटरपोल का जाकिर नायक पर नोटिस नहीं। एयरटेल पेमेंट का EKYC लाइसेंस रद्द। सट्टेबाजी को कानूनी बनाने पर रिपोर्ट सौंपेंगे। तंबाकू उत्पाद पर चेतावनी रद्द। भारत श्रीलंका में निर्णायक जंग। इसमें बिजेल के शतक से इंग्लैंड हलकान। अमेरिका में पति पत्नी को H-1 वीजा नहीं। ब्रिटेन में स्नो बम का अलर्ट जारी। हामिद सईद ने भारत के खिलाफ फिर जहर उगला। उत्तर कोरिया का मिसाइल परीक्षण तत्कालिक खतरा नहीं। अमेरिका सेल्फी के कारण मिस इराक ने देश छोड़ा। पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरा आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। इसे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि दूसरे को भी जानकारी मिल सके। जय हिंद।